योगपद संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम भोजन द्वारा अपना मोटापा कम कर सकते हैं और किस तरह का हमें खाना चाहिए। अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार जो आयुर्वेद में बताया गया भोजन करना चाहिए, तो तीन तरह की मुख्य प्रकृतियाँ हैं, वात, पित्त और कफ। तो जिसमें वायु बनती है उन ज़्यादा दर्द रहती शरीर में, तो वायु वाला भोजन नहीं करना, मोटी मोटी अगर बात करें। और पित्त, गर्मी ज़्यादा बनती है तो जिस भोजन से ज़्यादा गर्मी पैदा होती शरीर में, जैसे बादाम, काजू, ऐसी चीज़ें हैं, प्रोटीन ज़्यादा है तो उससे एसिड बनता है, तो वो भोजन नहीं करना है। अब इसके बाद में आ जाता है तीसरा, कफ, श्लेष्मा बनती है। तो इसी तरह से जिस भोजन से, जैसा दही है, लस्सी है, ऐसी चीज़ें खाते हैं, श्लेष्मा पहले से ही है तो उनको नज़ला जुकाम रहता है, तो वो भोजन नहीं करना चाहिए। अब बात आ जाती है कि मान लीजिए हमारी प्रकृति किसी भी तरह की है लेकिन मोटापा कम करना है तो क्या करें। तो मोटापा कम करने के लिए हमें सबसे पहले आपको बता दूँ, सुबह जूस पिए, दोपहर को छाछ लस्सी और रात को दूध, मोटी बात 200 ml बस। सुबह जूस, दोपहर को लस्सी और रात को दूध, ये बात होगी मोटी, तीन बातें होंगी। इसके अलावा हमें सुबह दही नाश्ते में और सेमी लिक्विड भोजन करना चाहिए, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, ओट्स हैं, सेमी लिक्विड, और वो भी खाना है 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर भूख लगती है तो दोबारा कर लो, चम्मच से दो तीन चम्मच भी, अगर कोई बीमार व्यक्ति है दो तीन चम्मच उसको पचा लेता है तो दोबारा खिला दो, एकदम से नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोपहर की बात करें तो दोपहर को थोड़ी दाल और चावल, और चावल अगर खा रहे हैं तो चपाती नहीं खानी, तो उसके साथ फिर चपाती भी, कई लोग मैंने देखा मल्टीग्रेन खाते हैं तो उससे बॉडी में डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। बॉडी एक तरह के अन्न को ही पचा सकती है, जब आप गेहूँ खाइए, जब आप चने खाइए, जब आप मक्की खाइए, जब आप बाजरा खाइए, एक ही तरह का अन्न अंदर जाना चाहिए। इसके अलावा शाम को हम मीठे फल खाने चाहिए, मान लो भूख, तभी तो भूख लगेगी ना। अगर हम ज़्यादा अन्न खा लेंगे, ज़्यादा एक ही बिग मील कर लेंगे तो बाद में भूख कैसे लगेगी, और फ्रूट की तरफ दिल नहीं करते हैं। तो शाम के समय मीठे फल खाने चाहिए और सुबह के समय 10-11 बजे आपको खट्टे या सिट्रिक देने वाले फल खाने चाहिए। उसमें कई कैटेगरीज हैं, जैसे दिन की शुरुआत ही फल से अगर करें तो बहुत अच्छा है। इसमें आप एप्पल खा सकते हैं, बहुत अच्छा है फाइबर के लिए, पेट भी भर जाता है, एक एप्पल खा लो, दो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनार खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, नाशपाती आप खा सकते हैं सुबह सुबह, अमरूद ले सकते हैं, तो हमारी डिटॉक्सीफाई करती है बॉडी को। इसी तरह से रात्रि के बारे में, रात का भोजन आप 7-8 बजे अगर कर लेते हैं तो उसको पचने में 6-8 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसके बाद में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, रात्रि को सब्जी खानी चाहिए और चपाती चाहे ना भी खाओ। अब कितनी रोटी, कितनी सब्जी खानी चाहिए, एक मुट्ठी में जितना गेहूं आता है उससे जो चपाती बनती है, एक बने दो बने, एक मुट्ठी आटे से, एक मुट्ठी चावल से, जितने चावल प्लेट में वही खाने, एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी चावल। इसी तरह से दाल आप एक कटोरी ही खाएंगे तो ठीक रहता है, नहीं तो यूरिक एसिड बढ़ जाता, आफ्टर 40 हमारा यूरिक एसिड बढ़ने में तकलीफ रहती बॉडी में। और लास्ट की बात करते हैं कि रात को सब्जी कितनी खानी, साथ सब्जी एक हाथ में जितनी आपकी सब्जी आ जाती है उतनी सब्जी खाइए, चपाती ना खाइए। अगर मान लीजिए भूख लगती तो रात को दूध भी तो पीना है, और दूध भी फैट फ्री पियेंगे। तो इस तरह से साथ में सिंपल आसन करिए आप, और आसन करते करते, प्राणायाम करते करते आपका मोटापा कम हो सकता है। तो अपने भोजन के ऊपर कड़ी नज़र रखनी थी। तो योग आसन तो हम करते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, और खाते रहते हैं सारा दिन। सारा दिन खाने से मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, एनाबॉलिज्म कम हो जाता है, कैटाबॉलिज्म कम रहता है, इसीलिए बुढ़ापा बढ़ता है। बुढ़ापे का और मोटापे का मेन कारण यही है कि हमारा बॉडी का बैलेंस नहीं रहता है। तो इन्हीं बातों के साथ शॉर्ट में हम आपसे बात करते हैं, इन बातों का ध्यान रखें और हमारी और भी वीडियोस देखते रहें, हमारे से संपर्क कर सकते हैं, इसमें आपको फ़ोन नंबर भी दिए हैं। और साथ में इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त और मित्रों को भी बताइए, ताकि अच्छी चीज़ जो है हर व्यक्ति के पास जानी चाहिए। आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सदा मुस्कुराते हंसते रहें। धन्यवाद।